पटना के बाद मुजफ्फरपुर सबसे बड़ा शहर है। मुजफ्फरपुर की अलग ही वाइब है यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। पीछे सुमित बैठा, इधर आमिर भाई हैं और हम लोग अभी हैं मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर आ गए हैं भाई साहब एक्सप्लोर करने के लिए। देखते हैं कि एक दिन में क्या कुछ एक्सप्लोर कर पाते हैं हम लोग। फिलहाल अभी हम लोग भगवानपुर में हैं। पब्लिक किचन एक रेस्टोरेंट है, छोटा सा हैंगआउट करने का प्लेस है। यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ से देखते हैं कहाँ निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं भाई? अभी हम लोग जाएंगे कोठिया मजार शरीफ। अच्छा, कोठिया मजार शरीफ। हाँ, जो कश्ती पे बना हुआ है। जो कश्ती के ऊपर बना है। काफी इंटरेस्टिंग लगता है। और यहाँ पर हमारे एक मटर गश्तियन है। हम वैशाली जिले से आए हुए हैं भैया, पहुंचे उसके ठीक 10 मिनट के बाद हम भी आ गए हैं। भाई ये जरा नवाजी है भाई की इतना तवज्जो दे रहे हैं। सीरियसली मेरे लिए बहुत बड़ी बात। अभी यहाँ से कुछ खा पी करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो भाई साहब, अगर अभी तक भाई को इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप के लास्ट से देखिएगा। एक दिन में मुजफ्फरपुर कितना कुछ एक्सप्लोर हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर मटर गश्तियन इकट्ठा हो गए सभी के सभी। सुमित भाई, नाइस टू मीट यू ब्रो। इधर अभी हम लोग कोठिया मजार शरीफ निकल रहे हैं और उसके बाद देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। मुजफ्फरपुर की अलग ही वाइब है यार। काफी डेवलप सिटी है। मैं फर्स्ट टाइम इधर मुजफ्फरपुर आया और अभी एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग अभी भगवानपुर से निकले हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले सोचा कि जो टाउन के बाहर है उसको कर लिया जाए और उसके बाद फिर टाउन के अंदर हम लोग आएंगे। तो यहाँ से भैया मोतिहारी 80 किलोमीटर, दरभंगा 60 किलोमीटर और सीतामढ़ी है 57 किलोमीटर। और हम लोग जा रहे हैं कोठिया। अगर प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा दिक्कत हो तो भाई मुजफ्फरपुर वालों करेक्ट कर देना आप लोग। जबरदस्त। फोन कहता है कि बिहार में सड़कें अच्छी नहीं है यार। और काफी अच्छा लग रहा है राइड करने पर। रक्सौल वाले रास्ते से कच्चे रास्ते में हम लोग मुड़े हैं। मैं भी पहुंचने वाले हैं और अभी हम लोग काफी पास पहुंच चुके हैं, वो देखिए। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोठिया शरीफ। यहाँ पर एक मजार है। इस लोकेशन को अगर मैं डिस्क्राइब कर दूं तो हम लोग भगवानपुर से निकले थे, यानी कि मुजफ्फरपुर से, और मुजफ्फरपुर से अप्रोक 10-9 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। कांटी थर्मल पावर प्लांट के पास है ये। मोतिहारी जाने वाले रास्ते से नीचे पहले आ जाना है वहां से, और इधर अंदर आने के बाद आप कोठिया शरीफ पहुंच जाएंगे। पीछे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसी का जिक्र हम लोग कर रहे थे। ये दरअसल एक कश्ती है और कश्ती के ऊपर ये दरगाह शरीफ है। यहाँ पर ऊपर मजार है, अभी हम लोग वहां पर चलेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इस प्लेस के बारे में अगर बताऊं तो यहाँ पर बहुत सुकून है यार। आप आ सकते हो यहाँ पर, और अगर आप चाहो जियारत करना तो जियारत भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो थोड़ा देर बैठना तो बैठ भी सकते हो। एक और चीज बहुत अच्छी लगी कि इसके चारों तरफ ये जो ठहरने की जगह बनाई गई है ना, मतलब जो लोग आएंगे यहाँ पर वो यहाँ पर आकर के रुक सकते हैं, रह सकते हैं और रात गुजार भी सकते हैं। और ये देखिए पूरा पानी है, ये चारों तरफ पानी है। मुजफ्फरपुर में आने के बाद ये पहला स्पॉट है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। दरगाह सैयद इस्माइल साहब वारसी का दरगाह शरीफ है, वहाँ जो मजार शरीफ है जी। पहले ये गंडक था, तो गंडक के उसी पार आदमी रह जाते थे। हजूर भी कभी कभी आके उस पार भी रहते थे और कभी नाव से पार हो जाते थे। तो जब यहाँ रहने लगे तो हजूर का कहा हुआ था कि यहाँ बहुत बड़ा शहर बच जाएगा। दूसरी बात है कि आपसे आप अपने से रास्ता बन जाएगा, और दूसरी बात है कौन सी चीज, यहाँ पर इतनी मजमा होगा कि आप लोग कंट्रोल नहीं करने सके, मतलब भीड़। यही इनका करमात है। नाव से आना जाना होता था तो इसलिए कश्ती बनाई। तो हम लोगों ने पहले जियारत की और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ऊपर जाना मना है। आने के बाद काफी ज्यादा सुकून मिलता है
आपको अंदर से तशफी होती है, आप आए यहाँ पर तो जियारत कर सकते हैं, नहीं तो फिर वरना ये प्लेस भी बहुत ही अच्छा है। और काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि एक कश्ती के ऊपर और चारों तरफ से पानी भी है, जहाँ पर मैं बैठा हूँ एक कश्ती का दूसरा किनारा हो सकता है और लुक भी उसका वैसा ही आ रहा है। तो इस वाइब को फील करना है आपको तो यहाँ पर आप आ सकते हैं कोठिया शरीफ में। अभी हम लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में कोई अनदर लोकेशन पर। और भाई कोठिया से हम लोग निकले थे और एक बार फिर से मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं और अभी शहर की तरफ। और भाई इस पूरे व्लॉग में हमजा हमारे साथ और ये हमें मुजफ्फरपुर दिखाने के लिए ले चल रहे हैं। ओ मुजफ्फरपुर की गलियों में ब्रेकर बहुत है यार हमजा, पता नहीं मैं कौन से इलाके में हूँ बट आपको अगर पता होगा तो प्लीज कमेंट करो आप, क्योंकि मैं भगवानपुर के पास ही हूँ शायद। रिलायंस डिजिटल इन मुजफ्फरपुर, वाओ माड़ीपुर चौक, ओके फाइव स्टार होटल, क्या बात है यार द रॉयल पुलार। ये मुजफ्फरपुर में यार होटल बहुत तगड़ा है। ये मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन है, जंक्शन जो है, कहा यह जाता है कि पटना के बाद मुजफ्फरपुर सबसे बड़ा शहर है बिहार का और काफ़ी डेवलप शहर भी है, तो देखने से भी लग रहा है भाई बहुत ही अच्छा है। हम लोग यहाँ से निकले हैं और अभी टावर चौक के लिए जा रहे हैं, देखते हैं भाई। टावर चौक का बहुत नाम सुना है और मुजफ्फरपुर के तकरीबन हर वीडियो में टावर चौक जरूर दिखाया जाता है, मुजफ्फरपुर डीएम हाउस। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक दिन में मुजफ्फरपुर को पूरा घूम लिया जाए और ठंड के टाइम है तो थोड़ा जल्दी शाम हो जाती है, इसलिए कोशिश हमारी लगातार जारी है। एक चीज़ है कि मुजफ्फरपुर हाई डेंस पॉपुलेटेड एरिया लग रहा है मुझे और यहाँ पर दोनों साइड में मार्केट्स हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट्स हैं। और भैया वो सामने आप देख सकते हैं टावर चौक, हम लोग पहुँच चुके हैं और मैं इसी टावर चौक की बात कर रहा था, मैं पहली बार यहाँ पर पहुँचा हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टावर चौक पहुँच चुका था तो यार टावर चौक दिखा देना चाहिए था, लेकिन टावर चौक इतनी बेहतरीन जगह है, वो मुजफ्फरपुर की जान है, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि टावर चौक अगर नहीं गए तो फिर क्या किया आपने। टावर चौक एक ऐसा प्लेस है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, जहां से चार तरह से रास्ते निकलते हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वहां पे अक्सर होता है ऐसा वहां के लोग बता रहे थे, तो मुजफ्फरपुर जाना तो बहुत बार हुआ था लेकिन मुजफ्फरपुर को इस तरह से मैं नहीं देख रहा था कभी भी, जिस तरह से अभी जब उसको एक्सप्लोर करने के लिए पहुंचा तो देखने को मिला। मुजफ्फरपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, मुजफ्फरपुर की वाइब बहुत अच्छी है, मुजफ्फरपुर भले ही छोटी सी जगह हो लेकिन बहुत ही तेज़ी से डेवलप कर रहा जगह है जैसा मुझे लगा, क्योंकि हम लोग अक्सर पटना में घूमते हैं, मार्केट्स देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन जब दूसरी जगह पर आप जाते हैं और आपकी पटना वाली जो कमी है वो वहाँ पर महसूस नहीं होती है, तब समझ में आता है कि नहीं भैया पटना के बाद और भी जगह अच्छी है बिहार में और मुजफ्फरपुर शहर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो मुजफ्फरपुर को एक व्लॉग में एक्सप्लोर कर देना ये नाइंसाफ़ी होती मुजफ्फरपुर के लिए और मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर के लिए कि आप एक दिन में ही मुजफ्फरपुर को घुमा दिया एक ही व्लॉग में। तो भैया हमने सोचा क्या कि इसको एपिसोड बाय एपिसोड लाते हैं, क्योंकि पहले ख्याल ये था कि वहाँ पहुँचेंगे और एक दिन में मुजफ्फरपुर को पूरा निचोड़ लेंगे, लेकिन नहीं, वीडियो बहुत लंबी बन गई और हम लोगों ने सोचा क्या कि चलिए भाई एपिसोड बाय एपिसोड दिखाते हैं। तो भैया अभी टावर चौक और इसके बाद मुजफ्फरपुर के और भी बहुत प्यारे प्यारे डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमें पहुँचना था और हम लोग वहाँ पर पहुँचे भी, तो इन सभी को देखने के लिए आप नेक्स्ट एपिसोड तक बने रहिएगा। और हाँ हाँ भाई मुजफ्फरपुर वालों लाइक और कमेंट करो कि आखिर वीडियो कैसी बनी है, क्या वो जगह सच में बहुत अच्छी थी या नहीं थी जहाँ पे हम लोग पहुँचे थे और जिसको एक्सप्लोर किया था। कोठिया शरीफ मेरे लिए वो जगह बिल्कुल ही अननोन थी क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं था और ख़ास करके उस जो दरगाह शरीफ को जो बनाया गया है ना, उसका जो कॉन्सेप्ट है क्रिएशन का, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बिल्डअप करने का, वो बहुत ही प्यारा है। कश्ती है भाई, पूरी कश्ती आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा और उस कश्ती के ऊपर वो दरगाह शरीफ है, बहुत ही प्यारी जगह है। हम लोग और भी बहुत जगह पहुँचे हैं, तो भाई साहब नेक्स्ट एपिसोड में मिलता है आपका भाई साहब, धन्यवाद।